हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ निशा सिंह। टुडे वी डिस्कस अबाउट चैप्टर 4 ऑफ क्लास 3, द हंटर एंड द डव्स। ओके, अब ये चैप्टर है द हंटर एंड द डव्स। हंटर कौन होते हैं? जो शिकार करते हैं, जिसे हम बोलते हैं शिकारी। और डव्स, डव्स एक तरह की चिड़िया होती है। ठीक है, तो ये आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ फ्लॉक ऑफ डव्स वॉज सर्चिंग फॉर फूड। एक बार की बात है, एक डव्स का झुंड, फॉल्क मतलब होता है फ्लॉक, मतलब होता है झुंड, तो उन डव्स का जो झुंड है वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। आफ्टर फ्लाइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस द डव्स वर टायर्ड। उसके बाद उन्होंने बहुत लंबा डिस्टेंस तय करा खाने के लिए, उसके बाद वो लोग क्या हो गए थे, थक गए थे, थक चुके थे। जस्ट देन वन ऑफ द डव्स सॉ सम राइस ग्रेन स्कैटर्ड अंडर अ बैनियन ट्री। उसके तुरंत बाद ही उनमें से एक डव को, जो डव थी उसमें से एक को, राइस के ग्रेन यानी कि चावल के दाने दिखे। स्कैटर्ड मतलब होता है फैलना, ठीक है, फैला हुआ, तो फैले हुए उसे चावल के दाने दिखे। किसके नीचे? एक बैनियन ट्री के नीचे, जिसे हम बोलते बरगद का पेड़। ऑल द डव्स वर हैप्पी टू फाइंड फूड एंड केम डाउन टू द ग्राउंड टू ईट। उसे देख के जितने भी डव्स थे वो बहुत खुश हुए कि आखिरकार उन्हें कुछ खाने को मिला, तो वो नीचे आए ग्राउंड पे उसको खाने के लिए। As soon as they began to eat the grains, a net fell over them. जैसे ही उन्होंने स्टार्ट करा उन चावल के दाने को खाना, तो उनके ऊपर एक नेट गिर जाता है, ठीक है, एक जाल गिर जाता है। They were trapped. तो वो क्या हो चुके थे? ट्रैप हो चुके थे, मतलब फंस चुके थे किस चीज़ में? नेट में। The doves fluttered their wings desperately. तो उस जाल से निकलने के लिए जो डव्स थे वो अपने जो पंख है बहुत तेज तेज फड़फड़ा रहे थे, और उन्हें उन्हें बहुत डेस्परेट हो, मतलब डेस्परेटली वहाँ से निकलना चाह रहे थे। ठीक है, जैसे अचानक से आप किसी बंद कमरे में जिसमें अंधेरा हो तो हम निकलने की अचानक से कोशिश करते हैं, इसी तरह से वो उस जाल में से निकलने की कोशिश कर रहे थे। They tried to came out of the net but could not. वो कोशिश कर रहे थे उससे बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। Just then they saw a hunter coming toward them. तभी वो क्या देखते हैं? एक hunter, hunter यानी कि शिकारी उनकी तरफ बढ़ रहा है। He was happy to find so many doves trapped inside the net. उन्हें देखकर, उन डव्स को देखकर, उन पंछियों को देखकर वो बहुत खुश होता है कि उसके नेट के अंदर वो सारी फंस चुकी हैं। ट्रैप मीन्स फंसना। द फ्लॉक ऑफ डव्स वॉज वेरी फ्राइटेंड एंड डिड नॉट नो वॉट टू डू। जो डव का जो झुंड था वो बहुत मतलब घबराया हुआ था, डरा हुआ था, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, ठीक है, उस कंडीशन में। हाउएवर वन ऑफ द डव्स वॉज वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन उनमें से एक जो डव था वो बहुत इंटेलिजेंट था। ही थॉट ऑफ अ प्लान। तो उसको एक प्लान आया। ही सेड टू फ्री आवरसेल्फ वी मस्ट ऑल फ्लाई अप टुगेदर। वो कहता है कि अगर हमें अपने आप को, खुद को वहाँ से फ्री करना है, निकालना है, तो हमें एक साथ उड़ना पड़ेगा और एक साथ ये काम करना पड़ेगा। होल्डिंग द नेट इन आर बीक्स देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी, नाउ लेट अस फ्लाई। तो वो उन्हें बोलता है कि अपनी बीक यानी क्या होती है, चोच होती है, जो चिड़िया की चोच होती है उन्हें बीक्स बोलते हैं। तो बोलते हैं कि अगर हम अपनी बीक से, चोच से नेट को दबा लें, पकड़ लें, उससे हमें ताकत मिलेगी। अगर हम सब एक साथ इस तरह से यूनिटी बनाएं तो हम इसको कर सकते हैं और हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। Hearing the intelligent dove's plan, each dove pick up a bite of the large net in its beak. तो ये जो प्लान था उस डव का, सुनने के बाद हर एक डव उस जो नेट था उसको
अपनी चोंच में दबा लेते हैं. दे फ्लू अप टुगेदर कैरिंग द नेट विद देम. तो वो एक साथ उड़ते हैं और उन उनके साथ जो नेट था वो भी ऊपर आ रहा होता है. द हंटर वॉज सरप्राइज टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग अवे अलॉन्ग विद हिज नेट. तो ये सब चीज देख के जो हंटर था, जो शिकारी था, वो बहुत सरप्राइज हुआ, उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि सारी बर्ड इस तरह से कोशिश कर रही है नेट से बाहर निकलने के लिए. ही रैन आफ्टर द बर्ड बट कुड नॉट कैच देम. ये देख के वो भागता है उनके पास पकड़ने के लिए उन बर्ड्स को, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता. सून दे फ्लू हाई ओवर हिल्स एंड वैलीज फार आउट ऑफ हिज साइट. जैसे ही वो उसके कैद से निकलते हैं तो वो चले जाते हैं, उड़ जाते हैं हिल्स पे, वैली पे, पहाड़ों पे, और मतलब गायब हो जाते हैं उस हंटर की नजरों से. When the intelligent dove saw that the hunter had give up chasing them, he said to his friends. जब वो intelligent dove जो है वो देखती है कि जो hunter है, जो शिकारी है, वो उन्हें पकड़ने में असमर्थ हुआ. chasing मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, पीछा करना, ठीक है. तो उनको पकड़ने में असमर्थ हुआ तो वो अपने friends से बोलता है, Now we have to get out of this net. बोलता है अब हम उड़ तो गए लेकिन ये जो नेट है ये हमारे साथ है तो अब हम इसे हटाते हैं. अ माउस लिव्स ऑन द नियर बाय हिल. वो क्या देखते हैं, एक चूहा जो है वो हिल के पास रह रहा था. ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. वो कहता है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. लेट अस गो टू हिम फॉर हेल्प. बोलता है चलो हम उसके पास चलते हैं, मदद के लिए बोलते हैं उसको. दे फ्लू टू द हिल वेयर द माउस लिव अलॉन्ग विद द नेट. तो वो नेट के साथ साथ उड़ उड़ के उस माउस के पास जाते हैं, उस चूहे के पास जाते जहाँ वो रह रहा था चूहा. फिर क्या होता है, वेन द माउस हियर्ड द लाउड नॉइज ऑफ द डव्स विंग्स ही वॉज फ्राइटेंड एंड हाइड हिमसेल्फ डीपर इन टू हिज होल. जब जो माउस है वो ये सुनता है डव्स की जो मतलब आवाज थी उनको जो सुनता है, उनकी विंग्स की जो आवाज थी उनको सुनता है, तो उससे वो बहुत डर जाता है और वो खुद को एक होल के अंदर बहुत अंदर घुसा लेता है, खुद को छुपा लेता है, ठीक है, उनकी आवाज सुन के. द इंटेलिजेंट डव सेड डियर फ्रेंड आई हैव कम टू योर यू फॉर हेल्प. तो जो उनका जो इंटेलिजेंट डव था जिसका ये सब प्लान था वो बोलता है, डियर फ्रेंड मेरे दोस्त, आई हैव कम टू यू फॉर हेल्प. मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ. वी आर इन ग्रेट डिफिकल्टी. हम बहुत मुश्किल में हैं. प्लीज कम आउट एंड हेल्प अस. बोलता है प्लीज बाहर आओ और हमारी मदद करो. हियरिंग द वॉइस ऑफ हिज फ्रेंड द माउस केम आउट ऑफ हिज होल एंड सॉ द डव ट्रैप्ड इन द नेट. ठीक है, अपनी दोस्त की आवाज़ सुन के जो चूहा था वो अपने होल से बिल से बाहर आता है और देखता है कि जो डब्स हैं वो उस नेट में फंसे हुए हैं. ही क्राइड आउट ओ हु हैज डन दिस टू यू. उनको देख के वो एकदम चिल्ला के बोलता है, अरे ये तुम्हारे साथ किसने करा, उन डब से पूछता है. द डब्स एक्सप्लेन द होल स्टोरी ऑफ द माउस. ठीक है, उसके बाद जो भी स्टोरी थी कैसे कैसे वो उस नेट में फंसे तो वो सब माउस को बताते हैं. दे टोल्ड हिम दैट दे नीडेड हिम टू निबल एट द नेट एंड सेट देम फ्री. तो वो बोलते हैं कि तुम इस नेट को अपने मतलब चूहों के साथ बहुत पहने होते हैं ना, तो किसी भी कपड़े को, किसी भी चीज़ को काट देते, तो वो बोलते हैं कि तुम इसको नेट को भी काट दो ताकि हम फ्री हो जाएं. द माउस इमिडिएटली started nibbling at the net. ये सुनने के बाद जो माउस था वो immediately तैयार हो जाता है और नेट को काटने लगता है. One by one all the doves became free. एक एक करके सारे doves free हो जाते हैं. They thank the mouse. Mouse को thank you बोलते हैं. Happily they flew away to look for food again. फिर खुशी खुशी वो वहाँ से उड़ जाते हैं खाने की तलाश में. आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया हो. अब इसके लास्ट में आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसमें थोड़ा हम पढ़ लेते हैं.
दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र. ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र से. देयर वॉज अ किंग हु हैड थ्री सन हु वर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ लर्निंग और एजुकेशन. एक बार एक राजा था जिसके तीन सन्स थे जिनको पढ़ने में या किसी चीज को सीखने में किसी तरह का भी इंटरेस्ट नहीं था. द किंग इन्वाइटेड द ग्रेट स्कॉलर विष्णु शर्मा एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टीच द प्रिंस. तो जो किंग था वो एक बहुत अच्छा स्कॉलर था जिनका नाम विष्णु शर्मा था, उन्हें बुलाता है. स्कॉलर्स मीन्स होते हैं जो विद्वान, जो ज्ञानी, जिन्हें अपने सब्जेक्ट में या अपनी चीज़ों में बहुत ज्ञान हो, उन्हें बुलाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे जो प्रिंस है, जो राजकुमार है, उन्हें पढ़ाएं. विष्णु शर्मा टॉट द प्रिंस विद द हेल्प ऑफ एनिमल स्टोरीज. विष्णु शर्मा उन्हें पढ़ाते थे कैसे एनिमल्स की स्टोरीज बना के. पंचतंत्र इज द कलेक्शन ऑफ दी स्टोरी. तो जो पंचतंत्र है वो इन सब स्टोरीज का कलेक्शन है. ओके बच्चों, आई होप ये सब चैप्टर आपको सब क्लियर हुआ हो. ओके.